कनौजी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कन्नौज में ठगी करने वाली महिला ने पीड़ितों को जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने बताया कि उसने एक कंपनी में ज्वाइनिंग की थी, जिस पर 6 महीने बीत जाने के बाद भी कंपनी की तरफ से कोई ज्वाइनिंग नहीं दी गई, जिसके बाद जब पैसे मांगे तो गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़ितों ने स्वर कोतवाली पहुंच कर दी तहरीर। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित नसरापुर गांव की रहने वाली किशोरियों ने सदर कोतवाली पहुंच कर स्मार्ट वैल्यू कंपनी के संचालिका चांदनी सरोज के खिलाफ तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसने अपना ऑफिस शिवाजी नगर में जूनियर शिक्षा सदर हाई स्कूल के पास खोल रखा है। उसमें उन्होंने हमसे कहा कि आप जॉब कर लो और नौकरी का झांसा देकर हमसे 12,000 लिए और कहा कि तुम अपने फ्रेंड को साथ में जोड़ो, उनको 99,000 रुपए, और हमने उनको सभी को जोड़ लिया और हमसे कहा कि स्कूटी से घूमिए। जब हमने 6 महीना बीत जाने के बाद हमने कहा कि ना तो स्कूटी मिली ना ही कोई जॉब, मेरा पैसा वापस किया जाए। इसके बाद चांदनी सरोज ने गाली का लॉज करते हुए तुमने कहीं शिकायत की तो तुम्हें पकड़वा लेंगे। इस दौरान गीता सक्सेना, खुशबू राजपूत, सरस्वती राजपूत, काजल दिवाकर आदि लोग अपनी शिकायत को लेकर कोतवाली पहुंचे। वहीं कोतवाली प्रभारी ने चौकी प्रभारी को जांच के आदेश दिए। मौके पर चौकी के साथ सरायमीरा स्टेट स्मार्ट वैल्यू ऑफिस में गए। कन्नौज से सिबू सैनी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? गीता सक्सेना। गीता जी, क्या मामला हुआ और क्या करने हैं? मामला ये हुआ है, चांदनी सरोज यहाँ पे रहने आई हैं, स्मार्ट वैल्यू नाम से कंपनी खोली हुई, मेरे घर पे जाके बोला 9,000 रुपए देंगे जॉब है, और जॉब ये नहीं बताया कि काम क्या है, और फिर बाद में कहने लगी कि बाद में जब पैसे बोली कि पैसे भी जमा होंगे 12,800 रुपए, तो फिर बोली कि पैसे जमा करो और फिर अपनी फ्रेंड्स को भी ज्वाइन कराओ कि आप स्कूटी बाइक लेके चलोगी 2-3-4 महीने बाद आपकी फ्रेंड्स भी चलेंगी तो अच्छा लगेगा, ये सब बातें हुई। और फिर बाद में बोली कि अपनी फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करा के उन, मतलब जो मेरी फ्रेंड्स थी उनसे भी कहा कि अपनी फ्रेंड्स को भी ज्वाइन करवाओ। ऐसे सर हम लोग कब तक ज्वाइन करें? क्योंकि आपसे पहले बोला था कि चैन सिस्टम इसमें है, क्या चैन बिजनेस, ये भी कुछ भी नहीं बताती हैं वो। कितने लोगों को आपने जोड़ा था? आपने मैंने 3 लोगों को जोड़ा, मेरे नीचे जो भी 3 लोग थे उन्होंने भी 3-3 ऐसे करके जुड़वाती हैं। कितने कितने रुपए लिए थे? क्या सर? कितने? एक इंसान एक व्यक्ति से मतलब जमा कराती हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, जब 6 महीने हो गए, जब कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, जब मैंने अपने पैसे मांगे तो मारने की धमकी दी, बोली किडनैप करा लेंगे, जानती नहीं हूँ हम क्या हैं क्या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है पुलिस थाने ही जाएंगे तभी देखा जाएगा क्या होगा। कहाँ रहती हैं वो? ये शिवाजी नगर में रहती हैं, रायबरेली की रहने वाली हैं। तो क्या मौजूदा टाइम में कन्नौज में है वो? जी सर। तो इससे पहले कि आपने एप्लीकेशन वगैरह दी थी? जी, एसपी ऑफिस में दी थी, डीएम ऑफिस वहाँ भी दी थी, डीएम सर को। तो क्या हुआ, कुछ कार्यवाही हुई? अभी उन्होंने बोला है कि अभी तो नहीं, जब दोनों पक्षों की सुन लेंगे तभी कुछ फैसला लेंगे। तो आज कहाँ आ पाई हैं? आज थाना कोतवाली में आए हैं, यहाँ भी एप्लीकेशन दी है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज़।